इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मिनी एशिया T10 के आज के दिन के दोस्तों पहले मुकाबले की। टूर्नामेंट का दोस्तों ये 26वां मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम मलेशिया हॉक्स वर्सेस टीम एशियन ऑल स्टार्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, और कौन से खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी के लिए। तो ओवरऑल आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप लोग कुछ भी अर्न करना चाहते हैं। तो बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी दोस्तों सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों ऑलमोस्ट 15,900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए, फाइनल अपडेट फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वेन्यू की। तो ये मैच खेला जाएगा बेओमस ओवल में जो कि है लमपुर में। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 90 के आसपास बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों टीम मलेशिया हॉक्स की। तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने 8 मैच खेले हैं और इनकी टीम दोस्तों 4 मैच जीती है और 4 मैच हारी है। जबकि अगर मैं बात करूँ एशियन ऑल स्टार्स की तो इनकी टीम ने टूर्नामेंट के अंदर 9 मैच खेले हैं जहाँ पर इनकी टीम 5 मैच जीती है और सिर्फ 4 मैच अपने हारी है। तो देखा जाए एशियन ऑल स्टार्स की टीम ने 1 मैच यहाँ पे एक्स्ट्रा खेला है जिस कारण से एक्स्ट्रा विन इनको यहाँ पे मिली है। तो दोनों ही टीम्स बराबर की हैं तो आपको एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं भाई विकेट कीपिंग सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला नाम निकल के आता है ए खान मलिक का। ए खान मलिक की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपको अपनी टीम के लिए 3 के आसपास बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो 10 रन बल्ले से बनाए हुए हैं तो आपको टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करके देने वाले हैं तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वाइसा का। वाइसा अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं पर बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ही ज़्यादा नीचे है। बाकी जकारिया भी यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन एस अजीज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कमाल के खिलाड़ी हैं। लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए ओपन भी किया था बल्ले से तो इन्होंने 7 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। कि लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला था लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कैप्टेंसी के लिए तो भी के लिए मैं इनको भी पिक करूंगा। बाकी अगर बात की जाए दोस्तों अनूर की तो अनूर भी देखो आपको जो है वन ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मैं अनूर की बात करूं तो ये भी जो है आपको दोस्तों ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट मैच में देखा जाए तो बिना खाता खोले रहते पर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो लेके जा सकते हो। अभी के लिए कीपिंग सेक्शन से मैं 2 विकेट कीपर को पिक करूंगा, ए खान मलिक और यहाँ पे अजीज को। बैटिंग की बात की जाए नाम आता है हफीज का। हफीज आपको 3 पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे बैट्समैन ने लेकिन लास्ट मैच में खाता भी नहीं खोल पाए हैं लेकिन अच्छा कर सकते हैं। बाकी जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहां पर देखने को मिलता है जजामी। जजामी आपको बैटिंग बॉलिंग करके देंगे, लास्ट मैच में ओपन करते हुए 27 रन बल्ले से बनाए हैं। बाकी अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की तो वहां से 1 ओवर गया पर विकेट इनको नहीं मिला है पर ओवरऑल अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहां पर मिलते हैं एस मुनंदी। एस मुनंदी की मैं बात करूं बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट भी निकाला है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों की बल्लेबाजी आपको कैसी करके देंगे तो लास्ट मैच में देखा जाए तो बल्लेबाजी से इन्होंने 1 रन भी बनाया है तो ओवरऑल ठीक ठाक है, आप लेके चल सकते हो। बाकी आमिर आजिम भी बहुत ही अच्छे शानदार खिलाड़ी हो सकते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए 43 रन बनाए हुए हैं तो अगर आप रिस्क ले पाओ तो एक काम कर सकते हो क्या कि यहाँ से एक खान मलिक की जगह पर आप आमिर आजिम को ट्राई कर सकते हो जो कि आपको थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। ऑलराउंडर की मैं बात करूं पहला नाम निकल के आता है एस फैत्री का। एस फैत्री की अगर बात की जाए दोस्तों तो लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए अगर मैं स्वेत्री की बात करूं तो लास्ट मैच में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला है पर बॉलर अच्छा है। बाकी यहाँ पे रामली की अगर मैं बात करूं तो ये भी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कर लेते हैं। लास्ट मैच में देखो तो भाई बल्लेबाजी से इन्होंने ऑलमोस्ट 27 रन अपनी टीम के लिए बनाए हुए हैं तो ओवरऑल आप लेके चल सकते हो। ए खान मलिक की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर मैं बता दूँ लास्ट मैच में 3 पर आपको बैटिंग करते हुए नजर आए थे, बल्ले से देखा जाए तो 9 रन बनाए थे, पिक कर सकते हो। बाकी नीचे से यहाँ पर आपके सामने नाम आता है आर खान मलिक का। आर खान मलिक भी आपको बैटिंग बॉलिंग करके दे सकते हैं लेकिन खान मलिक ने लास्ट मैच में बहुत ही ज्यादा नीचे बैटिंग की थी और बल्ले से सिर्फ 2 ही रन बनाए थे। गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग इन्होंने 2 ओवर की प्रॉपर की थी पर 1 भी विकेट इनको नहीं मिला था। इसके अलावा लास्ट मैच में जमान ने भी 1 भी ओवर नहीं करवाया था। बाकी जो इससे पिछले मैच था वहां पे जमान ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की हुई थी तो आपको आर खान मलिक जमान में किसी एक को लेना है तो अभी के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे जमान को प्रेफर करूंगा। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग की, तो बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो पहला नाम आएगा यहाँ पे दोस्तों
कोई भी इतना कुछ खास बॉलर है नहीं, तो आप चाहो तो यहाँ पे पांच ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, आप आरखन मलिक को ट्राई कर सकते हो, और एक बॉलर अगर मैं जो यहाँ से पिक करूँगा वो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं एतन हरीस, बाकी आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो हमारी जो टीम है दोस्तों इस मौली की रेडी हो गई है, पाँच खिलाड़ी हम लोगों ने MYH के लिए हैं, छः खिलाड़ी हम लोगों ने एशियन ऑल स्टार्स के लिए हैं। बात करूँ मैं कॉम्बिनेशन की, तो मैंने भाई कैप्टनसी तो अजीज को दी है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, वाइस कैप्टनसी मैं जसामी को दूंगा, बाकी आप एक खान मलिक को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो हमारी जो टीम है रेडी है, इसको सेव करते हैं, एक बार आप इसका प्रिव्यू देख लीजिए। तो सेम टीम के साथ दोस्तों स्मॉल लीग ज्वाइन करनी है, सेम टीम के साथ दोस्तों आपको ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी है, बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, सीधा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हो फटाफट से जाके जरूर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी इस समय ऑलमोस्ट 15,900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।